बिजनौर ड्रग व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के मुस्कान हॉस्पिटल पर मारा छापा। छापामार कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में कई अनियमितताएं पाई। बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर को किया सीज। 1 लाख से अधिक कीमत की दवाएं जब्त की गई। दरअसल बिजनौर जिले में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग ने अवैध अस्पतालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिले में जगह जगह खुले अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य व ड्रग विभाग की टीम ने कोतवाली शहर क्षेत्र के चांदपुर की चुंगी पर स्थित मुस्कान हॉस्पिटल पर SDM के नेतृत्व में छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल को सीज कर दिया और वहां रखी करीब 1 लाख की दवाएं जब्त कर की। इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर उमेश भारती ने बताया। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा उमेश भारती नाम है, आपके नाम से बिजनौर की कार्यकारिणी। सर आज ये छापेमारी क्या पूरा मामला? एक गुप्त सूचना मिली थी, साथ में लिखित सूचना भी आई थी कि मुस्कान हॉस्पिटल में बिगर लाइसेंस से संचालित मेडिकल स्टोर चल रहा है। उसी क्रम में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें हमारी मंडलीय टीम भी है। औसत निरीक्षक रामपुर मुकेश कुमार, औसत निरीक्षक मुरादाबाद श्रीमती उर्मिला वर्मा जी। इसमें करीब 1 लाख रुपए तक की दवाइयाँ जब्त की जा रही हैं, सीज किए जा रहे हैं, नमूना विचार लिए जा रहे हैं, साथ में इसको कोर्ट में ले जा दिया जाए। क्या अभी सीज कर दिया जाएगा? जी अभी हो गया सीजर कार्रवाई। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट।